पूरे प्रदेश के बाद अब रेवाड़ी में भी एनएचएम कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिछले दो दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी के चलते अब एनएचएम कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा इस हड़ताल को दो दिन तक और बढ़ाने का ऐलान के बाद आज से रेवाड़ी के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एनएचएम कर्मचारी भी धरने पर बैठ गए और जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पर बैठे क्या मामला है? ये हमारे नेशनल हेल्थ मिशन के पूरे हरियाणा के संगठन ने स्ट्राइक कॉल कर रखी थी 5 से 6 तारीख की, जो हरियाणा के 17 जिलों के अंदर पूर्ण रूप से चल रही थी। रेवाड़ी जिला उसमें शामिल नहीं था, 5 जिले हरियाणा के स्ट्राइक में नहीं थे। जो हमारे स्टेट कमेटी ने कल इसको एक्सटेंड करते हुए 7 और 8 के लिए स्ट्राइक और बढ़ा दिया है, तो हमारे जो बचे हुए हरियाणा के 5 जिले जिसमें रेवाड़ी भी शामिल है, आज से हम 7 और 8 तारीख को पूर्ण रूप से एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। क्या कुछ मांगे हैं मुख्य रूप से? हमारी मांगे नियमितीकरण की है, हमें जब तक नियमित नहीं किया जाए, हमारे समान काम समान वेतन दिया जाए, सेवा नियम लागू, सर शिक्षा प्रदान करवाए, जिसकी फाइल एमडी ऑफिस में रखी हुई है काफी समय से, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो हम चाहते हैं कि हमारे सेवा नियम लागू किया जाए, हमारा समान काम समान वेतन दिया जाए, हमें नियमित किया जाए। सामान्य अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे इन कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत हैं, लेकिन आज तक उन्हें सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं प्राप्त हुआ। पिछले साल भी उन्होंने इसे लेकर आंदोलन किया था, लेकिन आश्वासन देकर सरकार ने उन्हें शांत कर दिया। यही कारण है कि मजबूरन उन्हें यह कदम दोबारा उठाना पड़ा। सर मेरा नाम शर्मिला है। शर्मिला, क्या सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि देश तरक्की कैसे करेगा? अगर सरकार तरक्की की बात करती है, एक प्लेस से काम करने वाले लोगों में भेदभाव किया जाता है, तो देश तरक्की किस प्रकार करेगा? देश तरक्की तभी करेगा जब भेदभाव की नीति मिटाई जाएगी और हमारे साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उसको खत्म किया जाए। इंद्रपाल, हड़ताल पर बैठे हैं आप लोग, क्या कहेंगे? हड़ताल पे हमारी मांग है, हमारी मांग पूरी कर दी जाएंगी तो हम उठ जाएंगे। क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांग है समान काम समान वेतन, रेगुलराइजेशन, और जो 7वां पे कमीशन वो भी अभी नहीं दिया गया है। जो सरकार हाँ कर देती है उसके बाद क्यों निकल जाती है, जैसे हड़ताल करते हैं तो सारी हमारी हमें बोल जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमारी मांग पूरी नहीं होती। 3रा दिन हड़ताल का है आज, सरकार नहीं मानती, आगे क्या करेंगे? अगर हड़ताल हम जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम जारी रखेंगे, क्योंकि इतने में हमारा गुजारा नहीं होता है। 18-20 साल हो गए हमें, और इसमें तो हमारा रसोई का खर्चा भी नहीं चलता, जब 10-12 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है तो परिवार तो हमारा भी पूरा है। तो इसलिए हम रेगुलराइजेशन के लिए ही लगे हुए हैं, नहीं तो और भी जो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी सैलरी समान कर दी जाए, हमें समान काम और समान वेतन।